भिवंडी में समाजवादी पार्टी को फिर एक बार बड़ा झटका। भिवंडी के हरेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर अपने यादव समाज के साथ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी में हुए शामिल। आपको बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विकास निगम और भिवंडी अध्यक्ष महबूब बादशाह शेख के हाथों हरेंद्र यादव को पूर्व विभाग उपाध्यक्ष का पद दिया गया। इस अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और यादव समाज के लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। भिवंडी से ताज अंसारी की रिपोर्ट। मैं आरपीआई एकतावादी ज्वाइन कर रहा हूँ इसलिए कि मैं अपने सभी कार्यकर्ता को एक एक आईडी बना के दूंगा। रात बिरात कोई समस्या हो तो मैं उपाध्यक्ष हूँ, मैं अपने अध्यक्ष को फ़ोन करूंगा। अध्यक्ष मैटर से नहीं हल होगा, अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से नहीं होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करेंगे। इसी के साथ अपनी बाड़ी को मैं विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय यादव, जय माधव। आज हरेंद्र यादव को हमारे आरपीआई एकतावादी की तरफ से भिवंडी शहर के पूर्व के उपाध्यक्ष बोल के उनको ने आज पद दिया पार्टी की तरफ से। उनको पूरी पार्टी की तरफ से, पूरी भिवंडी शहर की कमेटी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और नरेंद्र यादव से गुजारिश करूँगा, आने वाले विधानसभा की तैयारी करो। उसी तरह साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब बोले, हमारे ललन भाई बोले हैं कि भाई और बॉडी होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को और अच्छे से बॉडी बनो, 11 आदमी की बॉडी बनो। पूरी एक आपके कमेटी के हिसाब से पूर्व के अपन पूरी एक बॉडी बना के चलाएंगे। यही बात करके मैं आपको सबको मुबारकबाद देता हूँ, आए हुए तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। अध्यक्ष पार्टी के बादशाह भाई से, यादव समाज के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर यादव साहब, हमारे वरिष्ठ रामदेव जी यादव साहब, हमारे महाराष्ट्र आटा चक्की यूनियन के अध्यक्ष हमारे ललन भाई जी, हमारे बहुत ही पुराने साथी जो यहाँ पे हमारे दूध का व्यवसाय करते हैं, हमारे यादव साहब, हमारे मास्टर जी, हमारे पप्पू भाई यादव, मेरे साथी वरिष्ठ सहकारी हमारे गायकवाड़ साहब, हमारे फातमा नगर के अध्यक्ष हमारे नईम भाई, यहाँ के हमारे विभाग प्रमुख हमारे रमेश जी निकम, हमारे शाखा अध्यक्ष विलास जी पांचाल, सभी हमारे यादव समाज के मेरे सभी भाई है। आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे सब हमारे यादव समाज के वरिष्ठ लोग ऑफिस में यहाँ पे आए, मुझे बहुत खुशी हुई। सच बोलो तो जो हमारे हरेंद्र है, एक छोटे भाई जैसा मेरे है, कुछ भी काम रहता है तो हमेशा हम काम करते आए। एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते उन्होंने कहा कि मुझे आरपीआई एकतावादी में काम करना है साहब। तो मैंने कहा कि देख भाई, तो एक छोटे भाई जैसा मेरा है, दोस्त है, पार्टी अलग चीज़ रहती है और हमारे संबंध अलग रहते हैं। बोला कि मैं समाजवादी पार्टी में काम करता हूँ। मतलब कौन से भी पार्टी में काम करने दे, लेकिन हमारे यहाँ पे काम करने में भले हमारे 100 लोग हैं लेकिन वो निष्ठा पे काम करते हैं। जो हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी पार्टी है, जो बाबा साहब के विचारधारों पे चल रही पार्टी है, तो हम यहाँ पे हर समाज के लोगों को न्याय देने का हमारी पार्टी काम करती है। दोस्ती यारी तो सबसे रहती है, लेकिन तुम जब पार्टी में प्रवेश करोगे तो तुम यहाँ पे हमारे पास बंदे रहोगे, इतना समझ जाओ। पार्टी के जो भी रूल रेगुलेशन है वो तुमको लागू हो जाएंगे, इतना भी तुम ध्यान में रखो। उन्होंने कहा कि हमारे यादव समाज के डॉक्टर साहब है, हमारे रामदेव जी यादव जी, हमारे ललन भाई, बहुत से बड़े लोगों का उन्होंने नाम लिया जो यादव समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं हमारे भिवंडी शहर में। तो मतलब इतने लोग जब तुम्हारे साथ में है तो मैं भी चाहता हूँ कि तुमको पद दिया जाए। तो आज उनको मेरे उपस्थिति में भिवंडी शहर के हमारे अध्यक्ष इनके नेतृत्व में आज उनको भिवंडी शहर पूर्व विभाग का उपाध्यक्ष पद दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि हरेंद्र जी यादव, इतने सब उनके साथ में जो भी लोग वरिष्ठ है, उनके लोग हैं, हमारे जो साथी सब वरिष्ठ है, उनका भी वो अच्छी तरह से उनके बात को ख्याल में रख के काम करे। और हर गरीब, हर जो भी गरीब है, पिछड़ा है, हर जो जिसको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उसके लिए काम करते रहो।
हम तुम्हारे साथ रहेंगे, पार्टी पूरी तुम्हारे साथ रहेगी, पूरे समाज के लिए एक ऐसा काम किया जाए। हम जात पात देके कभी काम करते नहीं, बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है तो हमें भी सबके लिए काम करना है। इतने साल से हमारी पार्टी भिवंडी शहर में काम कर रही है, अभी भिवंडी शहर के अध्यक्ष बादशाह भाई इनके नेतृत्व में भिवंडी शहर में काम कर रहे हैं, और मैं भी यहीं पे हूँ महाराष्ट्र अध्यक्ष होते हुए, तो कुछ भी लगा तो मैं साथ में हूँ। लेकिन आप पार्टी का अच्छी तरह से काम कीजिए और समाज के लिए काम करिए, यही मैं उनसे आशा करता हूँ। और उनको आज से भिवंडी शहर पूर्व के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ, और उनको मैं पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नाना साहब इंदी से इनके तरफ से सभी हमारे नेतागण की तरफ से उनको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद।